ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के एक फंक्शन को काम करते हैं, तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, उसी को कोऑर्डिनेटिव सिस्टम भी बोलते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एनाटॉमी का डेफिनेशन देखे थे और उसके कुछ सब डिविजन्स देखे थे, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ बॉडी, यानी एक बॉडी की डेफिनेशन क्या हो सकती है। द बॉडी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रंक विथ वेरियस ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स विच वर्क इन कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेटिव विथ ईच अदर। मतलब बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होना चाहिए, ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए, और वो क्या करे, कोऑर्डिनेटिव मैनर में वर्क कर रहे हों। मतलब एक ऐसा बॉडी जिसके अंदर कई ऑर्गन सिस्टम्स हो। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के एक फंक्शन को काम करते हैं, तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, उसी को कोऑर्डिनेटिव सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें ट्रंक वर्ड है। ट्रंक का मतलब होता क्या है? जो हमारा एब्डोमन और जो चेस्ट होता है, ये जो होता है हमारा ट्रंक कहलाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है बॉडी की। नेक्स्ट देखते हैं हम सब डिविजन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की भी सब डिविजन बांटी गई है। हमारी छह डिविजन बांटी गई हैं और छह डिविजन मिलकर एक बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। पहला है राइट अपर एक्सट्रीमिटी। राइट अपर यानी जो हमारा राइट आर्म होता है ना, राइट हैंड कह सकते हो, उसे कहा गया है राइट अपर एक्सट्रीमिटी। इसी तरह सेकेंड नंबर पर हमारा आता है लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसे हम लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं। फिर बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी राइट लोअर। जो हमारा राइट लोअर, लोअर का मीन्स हमारा जो लेग होता है उसे राइट लोअर एक्सट्रीमिटी कहते हैं, राइट लेग को। फिर आता है लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी, जो हमारा लेफ्ट लेग हो गया उसे कहा गया है। और फिर आता है ट्रंक। अभी मैंने आप लोगों को बताया थोरेक्स प्लस एब्डोमन, ये मिलके क्या बनाता है, ट्रंक बनाता है। और जो हमारा छठा पॉइंट होता है वो होता है हेड एंड नेक, यानी ये जो छह पॉइंट्स होते हैं ये मिलके क्या करती है, बॉडी का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट आता है हमारा एनाटोमिकल पोजिशन ऑफ बॉडी। एनाटोमिकल पोजीशन क्या होता है बॉडी की, इसके बारे में बात करते हैं। द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको बोला गया है, एक बॉडी को, यानी कोई भी बॉडी हो सकती है। स्टैंड्स इरेक्ट फेसिंग द ऑब्जर्वेशन, यानी कोई भी बॉडी स्टेट इरेक्ट हो, यानी सीधा खड़ा हो, और उसका जो ऑब्जर्वेशन हो बिल्कुल सीधा हो, यानी सामने के साइड उसका फेस हो। विथ फीट ऑन फ्लैट ऑन द फ्लोर, उसके जो पैर हो बिल्कुल सीधा जमीन पे खड़े हो। आर्म्स एट साइड एंड द पाम्स टर्न्स फॉरवर्ड, जो उसकी हाथे हैं वो बॉडी के साइड में होनी चाहिए और उनके जो हथेली होती है बिल्कुल सामने के साइड फेस करना चाहिए, यानी सामने के साइड उनकी हथेली होनी चाहिए। तो होता है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं सब डिविजन्स, यानी सब डिविजन्स भी किए गए हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के। पहला पोजीशन सब डिविजन में आता है सुपाइन पोजीशन, यानी सुपाइन पोजीशन किसे कहते हैं। व्हेन ए पर्सन लेइंग ऑन हिज हर बैक arms by the sides, palms forward, feet put together, यानी एक ऐसा पर्सन जो अपने पीठ के सहारे लेटा हो सीधा, उस टाइम उसकी जो फेस होना चाहिए बिल्कुल ऊपर के साइड होनी चाहिए, ऊपर फेस करने चाहिए, जो उसकी दोनों हाथे हैं वो साइड बाय साइड यानी बिल्कुल शरीर के साइड में होनी चाहिए और ऊपर के साइड हथेली होनी चाहिए, और उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल सीधा होने चाहिए। उस पोजीशन को कहा जाता है सुपाइन पोजीशन, यानी हम एक बेड पे सीधा लेट जाएं उसे सुपाइन पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोन पोजीशन। पर्सन प्रोन पोजीशन किसे कहते हैं, पर्सन लाइंग हिज हर फेस चेस्ट एब्डोमन डाउनवर्ड, यानी उनका जो फेस हो, चेस्ट हो और जो एब्डोमन हो वो डाउनवर्ड के साइड होने चाहिए, हम पेट के सहारे बेड पे लेटते हैं, तो उस पोजीशन को कहा जाता है प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट हमारा आता है लिटोमी पोजीशन। लिटोमी पोजीशन क्या है, ए पर्सन लाइंग बैक लेग्स अप फीट सपोर्टेड बाय स्ट्रिप, यानी एक पर्सन पीठ के सहारे लेटा हो, उसकी पैर उठी होनी चाहिए और जो पैर है वो सपोर्टेड होना चाहिए स्ट्रिप से। इसको हम सिंपल वे से समझना चाहें तो द पोजीशन बेबी डिलीवर्ड, यानी जिस पोजीशन में बेबी का डिलीवरी होती है उस पोजीशन को बोला गया है लिटोमी पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन्स के बारे में, यानी बॉडी की प्लेन्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या होती है प्लेन्स एक बॉडी के ऊपर, तो देखते हैं उस चीज को। पहला होता है, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे प्लेन्स की क्या होती है। प्लेन जो होती है एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होती है, यानी कोई हमारे बॉडी में प्लेन्स
एक इमेजिनरी लाइन को हम इमेजिन करते हैं कि हाँ ये लाइन हमारे बॉडी की इमेजिनरी लाइन है, इसे हम प्लेन डिफाइन कर देते हैं। तो पहला आता है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन को हम वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं। क्या होता है इसको देखते हैं। ए सजाइटल प्लेन इज ए वर्टिकल प्लेन। ये क्या होता है, एक वर्टिकल प्लेन होता है दैट डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू द राइट एंड लेफ्ट साइड। ये क्या करता है, किसी भी बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देता है, उसको हम सजाइटल प्लेन कहते हैं या फिर वर्टिकल। वर्टिकल लाइन कैसे होती है, ऐसी होती है ना, तो एक बॉडी को बीच से काट देते हैं तो वर्टिकल प्लेन कहलाता है, सजाइटल प्लेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड सजाइटल प्लेन। देखो ये भी सजाइटल से मिलता जुलता है, बस ये क्या है मिड सजाइटल, यानी क्या करेगा, ए प्लेन पासिस थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और एन ऑर्गन एंड डिवाइड्स इनटू द इक्वल राइट एंड लेफ्ट हैप्स। अब ये क्या करता है, ये भी सजाइटल के जैसे ही होता है, बट इसमें क्या है, ये किसी भी ऑर्गन या बॉडी के मिड से जाता है और वो जो प्लेन बनाता है वो दोनों इक्वल हैप्स होते हैं, यानी दोनों बराबर बराबर इक्वल हिस्से में बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैरा सजाइटल प्लेन। देखो ये भी सजाइटल के जैसा ही है, बस इसमें पैरा वर्ड लगा है। इसका मतलब क्या होता है, पैरामिडियल प्लेन को इसको हम पैरामिडियल प्लेन भी कहते हैं। ए वर्टिकल प्लेन, ये भी क्या होना चाहिए, एक वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। टू द राइट एंड द लेफ्ट ऑफ द मीडियल प्लेन एंड द पैरेलल टू द लेटर एंड कॉल द पैरामिडियल और पैरा सजाइटल प्लेन। यानी क्या करता है, ये भी एक वर्टिकल प्लेन होता है, लेकिन ये क्या करता है, जो हमारा लेटर होता है ना उसके पैरेलल होना चाहिए, जो हमारा लेटरल साइड समझ लो, यानी कोई भी लेटर होता है उसके पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि हम इमेजिन करते हैं जो हमारा हार्ट है, हार्ट को हम अगर कटिंग करते हैं तो इसके जो लेटर में कौन सा आता है, हमारा एक राइट लिवर जो होगा उसके पैरेलल लाइन कटनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रंटल कोरोनल प्लेन। अब ये क्या होता है, ए फ्रंटल और इसको हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। ए प्लेन डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन इंटू एंटेरियर फ्रंट एंड द पोस्टेरियर बैक पोर्शन। अब देखो क्या होता है, एंटेरियर जो होता है उसको फ्रंट भी कहते हैं और पोस्टेरियर जो होता है हमारा बैक पोर्शन, तो उसे पोस्टेरियर कहते हैं। इसको हम अगले वीडियो में भी देखेंगे, कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं बायोलॉजी की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि एंटेरियर वर्ड आ गया, एंटेरियर का मतलब होता है फ्रंट और पोस्टेरियर का मतलब होता है बैक। तो फ्रंटल प्लेन क्या होती है, एक ऐसी प्लेन जो हमारे बॉडी को दो हिस्से में काटे, लेकिन ये हिस्सा कैसा होना चाहिए, ये भी जो होता है वर्टिकल लाइन होती है, बट ये राइट और लेफ्ट ना कटिंग करके फ्रंट और बैक में कटिंग करता है, यानी किसी बॉडी को ऐसे पोर्शन में काटा जाए कि उसका फ्रंट का हिस्सा अलग हो जाए और बैक का हिस्सा अलग हो जाए, उसे हम फ्रंटल प्लेन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, ए ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर पोर्शन। यानी एक ऐसा प्लेन जो किसी बॉडी को सुपीरियर और पोस्टीरियर में काटे। सुपीरियर यानी क्या होती है, जो हमारा टॉप का पोर्शन होता है उसे सुपीरियर कहा जाता है और नीचे के हिस्से को पोस्टीरियर कहा जाता है। तो एक बॉडी को ऐसे हिस्से में काटना है कि उसका आधा हिस्सा ऊपर का हो और आधा हिस्सा नीचे का हो, इक्वल पोर्शन में जो डिवाइड करती है उसे ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन को समझते हैं क्या है, ए प्लेन डेट पासिस थ्रू द बॉडी, एक ऐसी प्लेन जो हमारी बॉडी से पास करे या फिर किसी ऑर्गन से पास करे, एट एन एंगल बिटवीन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड आइदर द मिड सजाइटल, पैरा सजाइटल और फ्रंटल प्लेन। अभी हमने मिड सजाइटल प्लेन पढ़ा था, पैरा सजाइटल प्लेन पढ़ा था, तो उसके ऊपर क्या करती है, कोई एंगल बना के कोई भी लाइन इमेजरी लाइन डिवाइड करती है पोर्शन को, चाहे बॉडी को चाहे किसी ऑर्गन को, उसे ओब्लिक प्लेन कहा गया है। तो यह था हमारा प्लेन, यानी हम प्लेन को इमेजिनरी लाइन समझ के अपने बॉडी पे इमेजिन कर सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो। अगर हम अपने बॉडी पे इमेजिन करते हैं तो हम इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सिस या फिर हम मूवमेंट कह सकते हैं, बॉडी में किस तरह की मूवमेंट होती है उस चीज को देखते हैं। तो पहला हमारा आता है एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर यानी एंगुलर वर्ड से ही हमें पता चलता है इसमें एंगल का बात किया जाएगा। देर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज एट द एंगल बिटवीन द बोन्स। बोन्स में एंगल कब बनता है और कहाँ बनता है, जहां हमारी बोन्स होती हैं, दो बोन्स जहां आपस में मिलती है उसे ज्वाइंट कहते हैं, और हमेशा एंगल कहाँ बनता है, ज्वाइंट्स पे ही बनता है। तो हमारे ज्वाइंट्स के अंदर एंगल का बढ़ना या घटना उसे को कहा गया है एंगुलर मूवमेंट। जैसे हमारी मूवमेंट कहाँ होती है, ज्वाइंट्स पे ही होती है। हम अपनी बाजू को देखें तो हम अपने बाजू को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी हमारे जो
आर्म है इसके अंदर क्या होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। फिर आता है फ्लेक्शन या फिर बेंडिंग। अब बेंडिंग किसे, फ्लेक्शन को ही हम बेंडिंग कह सकते हैं। इन्वॉल्व्स ए डिक्रीज इन एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द आर्कुलेटिंग बोन्स, यानी अगर हम किसी बोन के अंदर, जैसे मान के चलो हम अपना हाथ है, अगर एक हाथ को हम ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एंगल का डिक्रीजमेंट होती है, जिसे कहा गया फ्लेक्शन यानी बेंडिंग कह सकते हैं। यानी अपने हाथ को स्ट्रेट करना है और स्ट्रेट करके ऊपर के साइड उठाना है और नीचे फिर नीचे साइड लाना है, यानी क्या होता है एंगल का डिक्रीजमेंट होती है, इसे फ्लेक्शन कहा जाता है, बेंडिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी फैलना। अब इसमें क्या करना है, इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द आर्कुलेटिंग बोन, यानी क्या होता है बंद हाथ को हम ओपन करते हैं तो एंगल भी बढ़ता है, तो इसे क्या कहा गया एक्सटेंशन कहा गया, यानी हम बाहर के साइड अपने हाथ को खोलते हैं तो एक्सटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपर एक्सटेंशन। द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटेंशन बियॉन्ड द एनाटोमिकल पोजिशन, यानी एक ऐसी पोजिशन जिसको हम कंटिन्यूस एक्सपेंड कर सकते हो या फिर एनाटोमिक कंटिन्यूस एक्सपेंड कर सकते हैं, उसे कहा गया हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट हमारा आता है एबडक्शन, यानी क्या करना है, एबडक्शन को हम टेकिंग अवे भी बोल सकते हैं। द मूवमेंट्स ऑफ द बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी मिड लाइन से आगे के साइड में मूवमेंट होना, उसे कहा गया है एबडक्शन। मतलब मिड लाइन क्या होती है, हमारी बॉडी की कोई भी एक मिड लाइन लेते हैं, फिर किसी भी मूवमेंट का मिड लाइन लेते हैं, वहां से आगे के साइड जो मूवमेंट होता है उसे कहा जाता है एबडक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप वीडियो को 3D में देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं।